हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स, तो आज हम देखेंगे अगला प्रोग्राम। इससे पहले हमने देखा था, जो हमारी पहले की वीडियो थी इसमें देखा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम। आज हमें देखना है राइट प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का प्रोग्राम देखना, जो ट्रायंगल होता उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो पहले हम समझ लेते हैं इसकी थ्योरी। तो देखिए, एक ट्रायंगल है। अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने का, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय टू। तो बेस हमारा ये है नीचे वाली लाइन, ठीक है, और हाइट ये है कितने ऊंची है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बेस और हाइट, जो वैल्यू हम ये यूजर से इनपुट ले लेंगे बेस की और हाइट की, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टू से। अगर ये हम कर देते हैं तो इससे निकल जाता है इस ट्रायंगल का एरिया, जितना एरिया ये कंज्यूम कर रहा है। तो इसी का हम प्रोग्राम निकालेंगे, जो एरिया कंज्यूम कर रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो उसका यह फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई टू, और बेस और हाइट हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। तो चलिए इसका प्रोग्राम देखते हैं। मैं ना पाइथन में कोडिंग करूँगा, तो मैं एक बेस नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें मैं इंटीजर वैल्यू इनपुट करवाऊंगा यूजर से, और कहूँगा यूजर से कि बेस एंटर करो, एंटर बेस, और इसी तरह से एंटर कराऊंगा हाइट, और वहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम ले लूँगा हाइट, हाइट ले लिया और एंटर हाइट, ठीक है, बेस और हाइट यूजर ने एंटर कर दी। अब हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का, तो प्रिंट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, और हम लिख देंगे, पहले तो मल्टीप्लाई करा देंगे बेस इंटू हाइट, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाने के बाद डिवाइड करा देंगे हम टू से, तो टू से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो देखिए हमसे पूछ रहा है एंटर बेस, यहाँ पर देखिए एंटर बेस पूछ रहा है, मैंने इसे एंटर करा 8 करता हूँ, और हाइट इसकी एंटर करी 12, तो देखिए आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 48। तो 48 अगर ये सेंटीमीटर है, तो इसका जो एरिया भी हमारा फिर सेंटीमीटर में, मान लीजिए आपकी इसका जो ट्रायंगल का एरिया 48 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा प्रोग्राम। अगर ये समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।